उमरा जायरीन की बस को हादसा, 20 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में पीर के रोज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां उमरा जायरीन की बस ब्रेक फेल होने की वजह से पहले पुल से टकराकर उलट गई और फिर उसमें आग भड़क उठी। इस हादसे के नतीजे में कई अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मकामी हुकाम के मुताबिक हादसे में कम अज कम 20 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 29 के जख्मी होने की इत्तलात हैं। सऊदी अरब में असीर के शुमाल में उकबा शुआर में बस को हादसा पेश आ गया। इत्तलात के मुताबिक मुतासरा बस खमीस मशीद से मक्का मुकरमा जा रही थी। बस में मकामी अफराद के अलावा ज्यादातर गैर मुल्की सवार थे। तफसीलात के मुताबिक सिविल डिफेंस की टीमें, हिलाल अहमर और मुतलका सिक्योरिटी हुकाम जाए हादसा पर पहुँच गए और इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर दी। जख्मियों को इलाके की अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए, दो चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 400 BC का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला, शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया, एक ही इल्जाम पे दो केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली, नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं, तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।